Hello friends, today we'll discuss about Thomas Heywood. Thomas Heywood has written more than 200 plays. He has written more than 200 plays and Charles Lamb called him prose Shakespeare. Charles Lamb ने उन्हें prose Shakespeare कहा था and Thomas Heywood was claimed to have written 200 plays. Okay, you have to remember this. Let us discuss about the works of Thomas Heywood. The first work is Four Apprentices of London. The first work is Four Apprentices of London. It is a romance. Okay, this tale is about the four apprentices who later became knights. Four apprentices की कहानी है जो later बाद में knight बन जाते हैं and travel to Jerusalem और वो Jerusalem जाते हैं and Thomas Heywood meant this play to act as a satire for apprentices. ये उन्होंने ये play बनाया है. It is a satire for apprentices. Okay. सटायर फॉर अप्रेंटाइज हु वे सिटिंग इन द ऑडियंसेज जो ऑडियंस में बैठे होते हैं उन्हीं के ऊपर उन्होंने ये व्यंग लिखा है थॉमस हेवुड ने एंड इन दिस प्ले ही इज अटैकिंग द अप्रेंटाइजेस. ओके वो इन्हीं के ऊपर अटैक कर रहे हैं क्यों हमने लास्ट वीडियो में अपने बात करी थी ब्योमेंट एंड फ्लेचर की तो दिस प्ले वॉज सैटराइज्ड इन ब्योमेंट एंड फ्लेचर प्ले ये प्लेस ब्योमेंट एंड फ्लेचर में सैटराइज भी किया गया है नाइट ऑफ ए बर्निंग पेस्टल नाइट ऑफ ए बर्निंग पेस्टल में. ओके तो आपको ये याद रखना है बहुत बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि विच प्ले इज सैटराइज इन द नाइट ऑफ बर्निंग पेस्टल बाय ब्योमेंट एंड फ्लेचर. ओके तो आपको ये याद रखना है थॉमस हेवुड प्ले Four Apprentices of London. And the next play we will discuss about If You Know Not Me, You Know Nobody. अगर आप मुझे नहीं जानते तो आप किसी को भी नहीं जानते. ओके तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट प्ले एंड द सब टाइटल ऑफ द प्ले इज ट्रबल्स ऑफ क्वीन एलिजाबेथ. क्वीन एलिजाबेथ के बारे में है उनके ट्रबल्स के बारे में है. ओके ये प्ले तो आपको इसका सब टाइटल याद रखना है. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड सैम्यूल रॉले प्ले When you see me, you know me. आप मुझे देखोगे तभी मुझे जानोगे एंड थॉमस हेवुड ने भी सेम सा ही टाइटल लिया है कि इफ़ यू नो नॉट मी यू नो नोबडी. तो इन्होंने भी सेम सा ही टाइटल लिया. इट इज़ ए क्रॉनिकल प्ले ये एक क्रॉनिकल प्ले है. यू हैव टू रिमेंबर दिस इट इज़ ए क्रॉनिकल प्ले एंड इन पार्ट वन ये पार्ट्स में डिवाइडेड है. इट मूव्स इन पार्ट्स एंड इन पार्ट वन थॉमस हेवुड इज अटैकिंग अबाउट रिंग ऑफ मैरी वन ये टॉकिंग पहले पार्ट में किसके बारे में बात कर रहे हैं रिंग ऑफ मैरी वन के बारे में. ओके एंड इन पार्ट टू रिंग ऑफ क्वीन एलिजाबेथ के बारे में बात कर रहे हैं एंड ऑल्सो ही इज टॉकिंग अबाउट बिल्डिंग ऑफ रॉयल एक्सचेंज बाय थॉमस ग्रेशम एंड रॉयल एक्सचेंज इज ए सेंटर ऑफ कॉमर्स. रॉयल एक्सचेंज क्या है सेंटर ऑफ कॉमर्स विच वॉज सिचुएटेड इन द सिटी ऑफ हार्ट ऑफ लंडन. ओके जो सिटी ऑफ हार्ट ऑफ लंडन में बनी हुई है सेंटर में बनी हुई है. ओके जिसे हम सिटी ऑफ हार्ट ऑफ लंडन भी कहते हैं रॉयल एक्सचेंज को. ओके तो ये इसका है आपको इसका सब टाइटल याद रखना है. सब टाइटल बहुत बार पूछा जाता है किसी भी प्ले का और पार्ट वन में किसके बारे में डिस्कस हुआ है पार्ट वन में इज टॉकिंग अबाउट मैरी वन एंड पार्ट टू में क्वीन एलिजाबेथ के बारे में उन्होंने बोला है. ओके द नेक्स्ट इज लव मिस्ट्रेस द नेक्स्ट इज लव मिस्ट्रेस और क्वींस मास्क इसे क्वींस मास्क भी बोला जाता है. ये आपको नाम याद रखने हैं बहुत बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं लव मिस्ट्रेस और क्वींस मास्क. इट इज़ ए मास्क जो हमें दिख रहा है इट इज़ ए मास्क है. इट वॉज सीन बाय चार्ल्स वन इट वॉज सीन बाय चार्ल्स वन एंड हिज क्वीन थ्री टाइम्स इन एट डेज. वो इसे थ्री टाइम्स देख चुके थे 8 दिनों में. ही टॉक्स अबाउट द स्टोरी ऑफ क्यूपिड एंड साइके ये स्टोरी है क्यूपिड एंड साइके की. ओके तो ये आपको इतना ही इसमें याद रखना है. नेक्स्ट विल गो टू एंड एपोलॉजी फॉर एक्टर्स एंड एपोलॉजी फॉर एक्टर्स. लेट अस डिस्कस अबाउट एन एपोलॉजी फॉर एक्टर्स. दिस इज़ ए प्रोज वर्क ये एक प्रोज वर्क है. ही इज़ टॉकिंग अबाउट हाउ ड्रामा इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर पीपल एंड हाउ ही इज़ राइटिंग दिस वर्क एज ए रिप्लाई टू प्यूरिटन्स अटैक ऑन स्टेज. जो प्यूरिटन्स को स्टेज पसंद नहीं था उस टाइम पर तो उसके बारे में उन्होंने एक रिप्लाई लिखा है प्यूरिटन्स के लिए. ओके एंड ड्यूरिंग द सिविल वार थिएटर्स वे शट डाउन. हमें पता है कि थिएटर्स शट डाउन रहे थे काफ़ी सालों तक एंड प्यूरिटन्स आर ऑलवेज अगेंस्ट थिएटर. जो प्यूरिटन्स थे वो हमेशा थिएटर्स के अगेंस्ट थे खिलाफ थे. ही इज़ एक्सप्लेनिंग द कंडीशन ऑफ
एक्टिंग ड्यूरिंग हिज टाइम, जो कंडीशन उस टाइम पे एक्टर्स की थी, एक्टिंग की थी, उनके बारे में एक्सप्लेन करते हैं, उनकी कंडीशंस हमें इस प्ले के द्वारा हेवुड बताते हैं। ओके, हेवुड के टाइम पे जो प्लेस की कंडीशन थी, तो इन्होंने एक ये एपोलॉजी लिखी है एक्टर्स के लिए। ओके, उन्होंने माफ़ी मांगी है एक्टर्स से। ओके, तो नेक्स्ट प्ले इज वुमेन किल्ड विद काइंडनेस। वुमेन किल्ड विद काइंडनेस, इट इज़ ए ट्रेजेडी, ये ट्रेजेडी है। ओके, इट इज़ टेकन फ्रॉम एन इटालियन नोवल इलिसिनी, ये इलिसिनी इटालियन नोवल है, उससे लिया गया है। ओके, एंड द वर्क, दिस वर्क ऑफ इलिसिनी वॉज ट्रांसलेटेड इन टू इंग्लिश एंड पब्लिश बाय विलियम पेंटर एज पैलेस ऑफ प्लेजर, पैलेस ऑफ प्लेजर के नाम से विलियम पेंटर ने इसे पब्लिश किया था। ओके, यू हैव टू रिमेंबर दिस, वुमेन किल्ड विथ काइंडनेस। ओके, तो लेट अस डिस्कस अबाउट द प्लॉट। द प्लॉट टॉक्स अबाउट द स्टोरी ऑफ ए मैरिड कपल, ये एक मैरिड कपल की कहानी है, मास्टर फ्रैंकफर्ट जो हस्बैंड है एंड एने उनकी वाइफ है। ओके, उनकी जिंदगी में एक उनका फ्रेंड आ जाता है, वेंडॉन, वेंडॉन। ओके, ये दोनों जो मास्टर फ्रैंकफर्ट एंड एने हैं, ये दोनों हैप्पीली मैरिड कपल है, दोनों की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। एंड उनका जो फ्रैंकफर्ट है उसका दोस्त होता है वेंडॉन। ओके, फ्रैंकफर्ट हैज ए फ्रेंड वेंडॉन एंड फ्रैंकफर्ट इनवाइट वेंडॉन इन टू हिज हाउस टू एक्ट एज ए कंपेनियन। वो बोलता है कि तुम मेरे घर पे आके रहो एज ए कंपेनियन। ही टेल वेंडॉन एनी थिंग यू वॉन्ट नीड इन दिस हाउस, यू कैन टेक, यू डोंट नीड माई परमिशन। वो बोलता है कि तुम्हें जो भी मेरे घर में चाहिए तुम ले सकते हो, मुझे मेरी परमिशन की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। एंड वेंडॉन लाइक करने लगता है किसको, एने को। वेंडॉन लाइक करने लगता है एने को, जब ये बात फ्रैंकफर्ट को पता चलती है, ही वॉन्ट टू पनिश एने नॉट बाय डेथ बट बाय ऑस्ट्रासिसिम। जो वो उसको पनिश करना चाहता है कि मैं उसको ऑस्ट्रासिसिम के द्वारा पनिश करूँगा। उसका मतलब होता है डिसाइड करना कि आप उससे बात नहीं करोगे, आप उसे खुद से दूर कर दोगे। ओके, आप ये उस पनिशमेंट है उसका, जिसे कहा जाता है ऑस्ट्रिसिज्म। बहुत बार पूछा जाता है कि इन विच प्ले द ऑस्ट्रिसिज्म वर्ड इज यूज्ड, तो आपको याद रखना है वुमेन किल्ड विद काइंडनेस बाय थॉमस हेवुड में ये यूज़ किया गया है। ओके, एने अफेयर जब होता है वेंडम के साथ, तो फ्रैंकफर्ट किसका यूज़ करता है, ऑस्ट्रिसिज्म, जिससे कि वो उससे बात नहीं करता और उसको अपनी लाइफ से दूर कर देता है। एंड मास्टर फ्रैंकफर्ट एने से कहता है, मेरा एक दूसरा घर है, तुम वहाँ जाकर रहो और कभी मत आना मुझसे और मेरे बच्चों से मिलने। एट द एंड ऑफ द प्ले एने इज़ वेरी अपसेट अबाउट इट एंड शी चॉइजेस सेल्फ स्टारवेशन एज इज पनिशमेंट। एने अपने लिए सेल्फ स्टारवेशन चूज़ करती है एज हर पनिशमेंट। एंड सेल्फ स्टारवेशन क्या होता है, मतलब खाना पीना छोड़ देती है सो दैट शी कैन डाई, ताकि वो मर सके। ओके, एज शी इज़ डाइंग, जब वो मरने वाली होती है बिकॉज ऑफ हर सेल्फ स्टारवेशन के वजह से, खाना पीना छोड़ देने के वजह से, फ्रैंकफर्ट रीयूनाइट विथ हिज वाइफ विच रिस्टोर द सोशल एंड पेट्रार्कियल ऑर्डर एट द एंड ऑफ द प्ले। तो फ्रैंकफर्ट उससे रीयूनाइट हो जाता है, वो खुशी खुशी रहने लग जाते हैं, उसे फ्रैंकफर्ट माफ़ कर देता है। एंड इसमें एक क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन इज हु इज़ द ऑथर ऑफ वुमेन किल्ड विद काइंडनेस। तो अब आपको पता चल चुका है हु इज़ द ऑथर ऑफ वुमेन किल्ड विद काइंडनेस, थॉमस हेवुड, द ऑथर इज थॉमस हेवुड। ओके, तो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट इंग्लिश ट्रैवलर, द नेक्स्ट इज इंग्लिश ट्रैवलर। ओके, तो लेट अस डिस्कस अबाउट द इंग्लिश ट्रैवलर। इट इज़ ए रोमांस बट वी फाइंड दैट देर इज़ वन ट्रेजिक प्लॉट एंड वन कॉमिक प्लॉट इन द सेम प्ले। ये एक रोमांस है लेकिन हमें इसमें एक ट्रेजिक प्ले प्लॉट एंड वन कॉमिक प्लॉट दिखता है एक ही प्ले में, ट्रेजिक एंड कॉमेडी दोनों है। ओके, एंड ट्रैवलर नेम है यंग गेराल्डाइन, जो ट्रैवलर का नाम है वो क्या है, यंग गेराल्डाइन। एंड इसमें ट्रेजिक जो इवेंट है वो क्या है, फादर का फ्रेंड है विनकॉट और उसकी वाइफ के साथ यंग गेराल्डाइन का अफेयर होता है, ये दिस इज द ट्रेजिक प्लॉट। एंड द कॉमिक प्लॉट इज सर्वेंट रिनाल्ड इसका कॉमिक प्लॉट यूज़ करता है। ओके, एंड दिस इज ऑल अबाउट
थॉमस हेवुड, इंग्लिश ट्रैवलर, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. ये शॉर्ट फॉर्म नोट्स है, मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में नोट्स करवा रही हूँ. ओके, हम एक रिविजन पॉइंट ऑफ व्यू से मेन मेन पॉइंट्स ही डिस्कस कर रहे हैं. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए. थैंक यू सो मच. हैव ए नाइस डे.